नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका YouTube चैनल आरके सिंह स्टडी में। तो दूर संचार के साधन निबंध जो हैं आज की वीडियो में पढ़ेंगे, तो चार तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे आपकी क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, CBSE, यूपी बोर्ड, कोई सा भी, आपका MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई सा भी आपका बोर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें दूर संचार जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो 2016 में, 14 में, 10 में आया हुआ है और पिछले साल भी आया हुआ है न्यू मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। तो चार तरह से आएगा एग्ज़ाम में, आधुनिक जनसंचार माध्यम, संचार माध्यम और आधुनिक मनुष्य, आधुनिक युग में जनसंचार माध्यम की उपयोगिता या जनसंचार माध्यम भावनाओं व सूचनाओं का संप्रेषण। इस तरह से जो है आपके पास ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको लिखना यही है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना और आपको जो है समझ में आ जाएगा, फिर आप अपनी भाषा में इसको लिख देना। तो संकेत बिंदु पर नज़र डालते हैं एक बार, भूमिका है, फिर जनसंचार के माध्यम है, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, कंप्यूटर एवं इंटरनेट उपसंहार। भाई दूरसंचार का मतलब क्या होता है? यही होता है कि दूर के क्षेत्रों से अपने पास मिलाना संचार, यानी कि अपनी जानकारी जो है आदान प्रदान करना ही दूरसंचार कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वही बात है, भूमिका और एंड में उपसंहार होता है। सबसे पहले हम भूमिका पढ़ेंगे। तो भूमिका में क्या है, अपने विचारों, भावनाओं व सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए, संप्रेषित करना भेजना, भेजना या लेना, आदान प्रदान। ठीक है, अपने विचारों, भावनाओं व सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए मनुष्य को संचार की आवश्यकता पड़ती है। संचार मौखिक एवं लिखित दोनों रूप में हो सकता है। पहले मनुष्य आपस में बोलकर या इशारे से अपने भावों व विचारों की अभिव्यक्ति करता था। वैज्ञानिक प्रगति ने उसे संचार के अन्य साधन भी उपलब्ध करवाए। अब मनुष्य दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति से वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से बात करने में सक्षम है। इन वैज्ञानिक उपकरणों को ही संचार के साधन कहा जाता है। यानी कि जो आप एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी बात पहुंचाते हो या लेते हो, बात का आदान प्रदान करते हो, यही हमारा जो है संचार माध्यम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इन वैज्ञानिक उपकरणों को ही संचार के साधन कहा जाता है। टेलीफोन, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न इत्यादि संचार के ऐसे ही साधन हैं। टेलीविज़न ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से एक बार में कुछ ही व्यक्तियों से संचार किया जा सकता है, किंतु संचार के कुछ साधन ऐसे भी हैं जिनकी सहायता से कई साथ एक व्यक्तियों से संचार नहीं किया जा सकता। भाई टेलीविज़न है, मान लो किसी को कोई जानकारी देनी है, मान लो PM मोदी को कोई अपना संदेश देना है, तो वो क्या करेंगे, TV पर लाइव टेलीकास्ट होंगे और पूरा देश उनको देख सकता है। ठीक है, इस तरह से जो है कर सकते हो। उसके बाद जिन साधनों का प्रयोग कर एक बड़ी संख्या तक विचारों, भावनाओं व सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है, उन्हें हम जनसंचार माध्यम कहते हैं। उसके बाद जनसंचार के माध्यम क्या क्या हैं? तो जनसंचार माध्यमों को कुल तीन वर्गों, मुद्रण माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एवं नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में विभाजित किया जा सकता है। मुद्रण माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पैम्पलेट, पोस्टर, जर्नल, पुस्तकें इत्यादि आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न एवं फिल्म आती हैं और इंटरनेट नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। जनसंचार के इन साधनों के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। उसके बाद आप लिखोगे हेडिंग समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, कंप्यूटर, इंटरनेट, उसके बाद आप लिख दोगे सीधे उपसंहार। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं समाचार पत्र। वही समाचार पत्र तो आप सभी ने देखा है, पढ़ा भी है। ठीक है, तो समाचार पत्र के लिए मुद्रण माध्यम की शुरुआत गुटनबर्ग द्वारा वर्ष 1954 में मुद्रण मशीन के आविष्कार के साथ हुई थी। इसके बाद विश्व की अनेक देशों में समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ। आज समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ विश्व भर में जनसंचार का एक प्रमुख एवं लोकप्रिय माध्यम बन चुके हैं। समाचार पत्र कई प्रकार के होते हैं, त्रैमासिक, मासिक, साप्ताहिक एवं दैनिक। इस समय विश्व के अनेक देशों के साथ साथ भारत में भी दैनिक समाचार पत्रों की संख्या अन्य प्रकार के पत्रों से अधिक है। भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स इत्यादि हैं। हिंदी के दैनिक समाचार पत्रों में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स, नई दुनिया, जनसत्ता इत्यादि प्रमुख हैं। अब बात करते हैं हम रेडियो। तो रेडियो आधुनिक काल में
रेडियो जनसंचार का एक प्रमुख साधन है, खासकर दूरदराज के उन क्षेत्रों में जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है या जिन क्षेत्रों के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। भारत में इसकी शुरुआत 1990 ईस्वी के दशक में हुई थी। स्थानीय स्तर पर FM प्रसारण के लाभ को देखते हुए देश के कई विश्वविद्यालयों ने इसके माध्यम से अपने शैक्षणिक प्रसारण के उद्देश्य से अपने अपने FM प्रसारण चैनलों की शुरुआत की है। यही कारण है कि इससे न केवल आम जनता को लाभ पहुंचा, बल्कि दूरस्थ एवं खुले विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण कर रहे लोगों के लिए भी यह अति लाभप्रद सिद्ध हुआ। आज FM प्रसारण दुनिया भर में रेडियो प्रसारण का पसंदीदा माध्यम बन चुका है। इसका एक कारण इससे उच्च गुणवत्ता युक्त स्टीरियोफोनिक आवाज़ की प्राप्ति भी है। शुरुआत में इस प्रसारण की देश भर में कवरेज केवल 30% थी, किंतु अब इसकी कवरेज बढ़कर जो है वो 60% से अधिक जा पहुंची है। टेलीविज़न की बात करते हैं हम। टेलीविज़न का आविष्कार वर्ष 1925 में जे एल बेयर्ड ने किया था। आजकल यह जनसंचार का प्रमुख साधन बन चुका है। पहले इस पर प्रसारित धारावाहिकों एवं सिनेमा के कारण यह लोकप्रिय था। बाद में कई न्यूज़ चैनलों की स्थापना के साथ ही यह जनसंचार का एक ऐसा सशक्त माध्यम बन गया जिसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक हो गई। भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 1959 में हुई थी। वर्तमान में 300 से अधिक टेलीविज़न चैनल 2400 घंटे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित कर दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। अब बात करते हैं फिल्म की, तो यह जनसंचार का सशक्त एवं लोकप्रिय माध्यम है। किसी भी अन्य माध्यम की अपेक्षा यह जनता को अधिक प्रभावित करने में सक्षम है। दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। हर वर्ष विश्व में लगभग 10,000 से अधिक फिल्मों का निर्माण होता है। अकेले भारत में हर वर्ष 1,000 से अधिक फिल्मों का निर्माण होता है। फिल्मों में समाज एवं देश का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि देश हित एवं समाज सुधार भी होता है। उसके बाद हमारी नई हेडिंग है कंप्यूटर एवं इंटरनेट। तो आप हेडिंग डालोगे कंप्यूटर एवं इंटरनेट, तो इंटरनेट जनसंचार का नवीन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इसका आविष्कार वर्ष 1969 में हुआ था। इसके बाद से अब तक इसमें काफ़ी विकास हो चुका है। इंटरनेट वह जिन है जो व्यक्ति के सभी आदेशों का पालन करने को तैयार होता है। विदेश जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट बुक कराना हो, किसी पर्यटन स्थल पर स्थित होटल का कोई कमरा बुक कराना हो, किसी किताब का ऑर्डर देना हो, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विज्ञापन देना हो, अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करनी हो, डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी सलाह लेनी हो या वकीलों से कानूनी सलाह लेनी हो, इंटरनेट हर मर्ज की दवा है। इंटरनेट ने सरकार, व्यापार और शिक्षा को नए अवसर भी दिए हैं। सरकार अपने प्रशासनिक कार्यों के संचालन, विभिन्न कर प्रणाली प्रबंध और सूचनाओं के प्रसारण जैसे अनेकानेक कार्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करती है। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे उपसंहार, ठीक है। उपसंहार में आप लिखोगे, इन माध्यमों से लोगों को देश की हर गतिविधि की जानकारी तो मिलती है, साथ ही उनका मनोरंजन भी होता है। किसी भी देश में जनता का मार्गदर्शन करने के लिए निष्पक्ष एवं निर्भीक संचार माध्यमों का होना आवश्यक है। ये देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इसे हम मीडिया भी कहते हैं। जनता की समस्याओं को इन माध्यमों से जन जन तक पहुंचाया जाता है। विभिन्न प्रकार के अपराधों एवं घोटालों का पर्दाफाश कर ये देश एवं समाज का भला करते हैं। इस तरह से आधुनिक समाज में लोकतंत्र के प्रहरी का रूप ले चुके हैं, इसलिए इन्हें लोकतंत्र की चतुर्थ स्तंभ की भूमिका दी गई है। तो इस तरह से जो है आप निबंध लिखोगे दूरसंचार के साधन। अगर आप इस तरह से लिखते हो तो एग्ज़ाम में जो है आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।